देश की राजधानी दिल्ली से मंगलवार को बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी ने मनोज तिवारी को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया है। इसी के साथ पूर्व मेयर आदेश गुप्ता को दिल्ली बीजेपी का चीफ बनाया गया है। बता दें कि इसी साल दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा था। क्यों हटाए गए मनोज तिवारी? मनोज तिवारी का प्रदेश अध्यक्ष पद जाने के पीछे दिल्ली का हार एक बड़ी वजह है। बता दें कि लगातार बयानबाजी हो या फिर हाल ही में कोरोना संकट के बीच क्रिकेट खेलना, मनोज तिवारी का नाता लगातार विवादों से भरपूर रहा है। दिल्ली चुनाव के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया था। हाल ही में मनोज तिवारी का एक वीडियो सामने आया जिसमें वह लॉकडाउन का उल्लंघन करते देखे गए थे। हालांकि दिल्ली बीजेपी में स्थानीय लेवल पर राजनीति लगातार जारी रही थी और कई बार मनोज तिवारी को विरोध का सामना करना पड़ा। अब एक बार फिर दिल्ली बीजेपी की ओर से कोशिश की गई है कि नया चेहरा लाकर संगठन में जान फूंकी जाए। आदेश गुप्ता व्यापारी समाज से आते हैं, ऐसे में एक बार फिर बीजेपी अपने कोर वोटरों को लुभाने की कोशिश में जुट गई है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या विचार है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ डेली ट्रेंडिंग न्यूज़ की रिपोर्ट। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।